आज के इस वीडियो में मैं आपसे कंप्यूटर्स की कुछ ऐसे वार्निंग साइंस के बारे में बात करने वाला हूं, जिसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर बहुत ही जल्दी डेड या फिर क्रैश हो सकता है। जस्ट लाइक अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कंप्यूटर्स की हर एक कंपोनेंट की एक लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद वो कंपोनेंट कभी भी फेल हो सकता है। पर फेल होने से पहले हमें कुछ ऐसे वार्निंग साइंस बहुत बार देखने को मिलता है, जिससे हमें उस प्रॉब्लम को डायग्नोसिस करना आसान हो जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इन्हीं वार्निंग साइंस के बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हार्ड ड्राइव से। हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर्स की एक ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा वीक है और बहुत ही जल्दी खराब भी हो जाती हैं, और इस पर्टिकुलर कंपोनेंट की खराब होने से सबसे ज़्यादा नुकसान भी होता है। जी नहीं, मैं यहाँ पे कॉस्ट वाइज बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ डेटा की। अगर ऐसा हो कि आपके कंप्यूटर से कुछ ग्राइंडिंग या फिर स्क्रैचिंग की नॉइज़ आ रही है, तो आप कन्फर्म हो जाओ कि आपके जो हार्ड ड्राइव लगा रखा है वो हार्ड ड्राइव बहुत ही जल्दी खराब होने वाला है। तो अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर है तो इस टाइम पे बेटर है कि उस डेटा की बैकअप बना लिया जाए। ऑल दो हार्ड ड्राइव फेलियर की यही एक साइन नहीं है, इसके अलावा भी तरह तरह के नॉइज़ आने लगते हैं हार्ड ड्राइव से, तब हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि हमारा जो हार्ड ड्राइव है वो ख़राब होने वाला है। बहुत बार मोटर की वजह से भी नॉइज़ आती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, तो उसका लिंक आपको आई बटन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है हीटिंग इशू। यह हमारे कंप्यूटर्स के साथ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, और इस वजह से आपके कंप्यूटर के जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कंप्यूटर गर्म हो रहा है? बहुत ही आसान है। आप अगर देख रहे हो कि आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा नॉइज़ कर रहा है, जो फैंस की नॉइज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, साथ ही साथ कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ग्लिची हो गया है और रैंडमली शटडाउन हो रही है, तो आप थोड़ा सा समझ सकते हो कि कंप्यूटर्स की जो कूलिंग सिस्टम है वो ठीक से वर्क नहीं कर रही है। अब क्यों वर्क नहीं करेगी? मे बी ऐसा हो सकता है कि जो फैंस है वर्क करना बंद कर दिया है, फैंस प्रॉपरली नहीं घूम रहे हैं, उसका स्पीड प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रही है, साथ ही साथ अंदर धूल जम गई है, ऐसा भी हो सकता है, और थर्मल पेस्ट जो है वो भी डिग्रेड कर गया है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप क्या कीजिए, आप अपने कंप्यूटर को साफ़ कीजिए, जो फैंस है उसको चेक कीजिए प्रॉपरली घूम रहा है या फिर नहीं, अगर ज़रूरत है तो थर्मल पेस्ट को आप यहाँ पे रिप्लेस भी कर सकते हो। अब थर्मल पेस्ट को कैसे रिप्लेस करना है, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, उसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। शटडाउन से याद आया कि अगर आप ऐसा देख रहे हो कि आपका कंप्यूटर ऑन हो रहा है, जो बूट स्क्रीन है मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर की लोगो है वो आया है, उसके बाद विंडोज़ का लोगो आया और आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शटडाउन हो गया या फिर रिस्टार्ट हो गया, फिर से वैसा ही जो प्रोसेस है वो रिपीट हो रही है। तो अगर आप ऐसा देख रहे हो तो इस टाइम पे प्रॉब्लम सीमॉस बैटरी की हो सकती है, साथ ही साथ प्रॉब्लम हो सकती है पावर सप्लाई की, या फिर अगर लैपटॉप है तो उसमें बैटरी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पावर सप्लाई कंप्यूटर को प्रॉपर अमाउंट पे पावर प्रोवाइड ना कर पाए तो कंप्यूटर ऐसा ही बिहेवियर करता है जनरली, और लैपटॉप के साथ भी ऐसा ही है। अगर बैटरी की क्वालिटी डिग्रेड कर गई है, बैटरी डिग्रेड कर गई है, उसका डिस्चार्ज करंट कम हो गया है, तो इस टाइम पे कंप्यूटर ऐसे रैंडमली शटडाउन हो जाएगा। आप कंप्यूटर को ऑन करोगे, बूट स्क्रीन आएगा, साथ ही साथ कंप्यूटर शटडाउन कर जाएगा या फिर रिस्टार्ट कर जाएगा। बूट स्क्रीन यानी कि मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर लोगो की बात कर रहा हूँ, या फिर विंडोज़ का लोगो आया, कंप्यूटर शटडाउन हो गया, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम आपके कंप्यूटर के साथ हो रही है तो आप सीमॉस बैटरी को बदलें। अगर सीमॉस बैटरी को बदलने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो पावर सप्लाई के साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पावर सप्लाई को बदलना है। और अगर लैपटॉप है तो आपको बैटरी को बदलना है। यहाँ पे आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि जो बैटरी आप परचेस कर रहे हैं उसको आपको सर्विस सेंटर से ही लेना है, किसी लोकल शॉप से नहीं लेना है। लोकल शॉप में जनरली जो बैटरीज मिलती है वो डुप्लीकेट होती है। इसको अगर आप अपने लैपटॉप में लगाओगे तो क्या होगा, लैपटॉप में वही प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो ये बैटरीज होती हैं इसके अंदर जो वायरिंग्स होती है वो ढंग का नहीं होता है, साथ ही जो बैटरीज़ का क्वालिटी है वो भी उतना अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से लैपटॉप को रिक्वायर्ड पावर नहीं मिलेगी और लैपटॉप वही प्रॉब्लम करेगा। जैसे यहाँ पे बैटरीज की बात हो ही रही है तो मैं आपको यहाँ पे चार्जर के बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ। बहुत बार क्या होता है कि चार्जर में लैपटॉप को प्लग इन करने के बाद भी चार्ज लैपटॉप नहीं पकड़ता है, या फिर पकड़ रहा है और साथ ही साथ छोड़ दिया, ऐसा भी बहुत बार होता है। ऐसा क्यों होता है? प्रॉब्लम बहुत बार चार्जर में रहती है, बहुत बार चार्जर की जो वायर है उसमें दिक्कत रहती है, या फिर जो कनेक्टर है लैपटॉप की जो कनेक्टर है चार्जिंग कनेक्टर उसमें भी प्रॉब्लम रहती है बहुत बार, और बहुत बार मदरबोर्ड की भी फॉल्ट हो सकती है, फिर बैटरी की भी फॉल्ट हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हो, आपको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ हो रही है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी सर्विस सेंटर में जाइए या फिर किसी लोकल रिपेयरिंग शॉप पर जाइए, लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप पर जाइए, वो लोग आपके लिए ये प्रॉब्लम सही कर देंगे।
बाय द वे, अगर आपने अपने लैपटॉप के लिए अभी अभी एक नया बैटरी परचेस किया है और आप देख रहे हो कि आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो पा रहा है, या फिर ऑन तो हो रहा है, बूट स्क्रीन आया और वो अचानक रिस्टार्ट कर गया, या फिर जब कंप्यूटर बैटरी पे चल रहा है, मतलब कि जब आपका लैपटॉप बैटरी पे चल रहा है तब वो बहुत ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है, तो इस टाइम पे आप समझ जाओ कि दिक्कत बैटरी में है। आपको उस बैटरी को रिप्लेस कराना है। जो बैटरी आपने लिया है वो आइदर डुप्लीकेट होगा या फिर वो डैमेज होगा। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा आप सर्विस सेंटर पे जाइए, वहाँ से बैटरी रिप्लेस कीजिएगा। वहाँ पे चांसेस रहती है कि आपको ओरिजिनल बैटरी मिले, वहाँ पे भी डुप्लीकेट बैटरी मिल सकती है। यहाँ पे बताना बहुत मुश्किल है कि कौन सा बैटरी ओरिजिनल है, कौन सा डुप्लीकेट है। कुछ चीज़ों को देख के पता लग जाता है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपको पता लग जाएगा। एक बहुत ही आसान सा मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, मे बी इससे आपको कुछ फ़ायदा हो। आप ओरिजिनल बैटरी को अपने हाथ में लीजिए और डुप्लीकेट बैटरी को अपने हाथ में लीजिए, उसके बाद आप दोनों का वेट महसूस कीजिए। यहाँ पे जो डुप्लीकेट बैटरी होगी उसका जनरली जो वेट है वो कम होता है, क्योंकि उसका कैपेसिटी कम है। जो कैपेसिटी लिखा हुआ रहता है वो तो सही लिखा हुआ रहता है, वो तो आपके ओरिजिनल बैटरी की तरह ही लिखा हुआ रहेगा, पर यहाँ पे दोनों के वेट में डिफरेंस रहेगा। जो ओरिजिनल बैटरी है उसका वेट ज़्यादा होगा और जो डुप्लीकेट बैटरी है उसका वेट कम होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपका कंप्यूटर अचानक शटडाउन हो रही है या फिर रिस्टार्ट कर रहा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रॉब्लम पावर सप्लाई में हो या फिर बैटरी में हो या फिर चार्जर में हो। प्रॉब्लम बहुत बार सॉफ्टवेयर लेवल पे भी होती है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी दिक्कत हो सकती है, किसी तरह का कोई वायरस या फिर मैलवेयर की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मैं आपको कुछ टाइम पहले पीसी स्लो होने के बारे में बता रहा था, ये प्रॉब्लम बहुत बार सी ड्राइव में लो स्पेस की वजह से भी होती है। मैं आपको ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि आपके सी ड्राइव में मिनिमम 15 GB तक खाली रहे। 15 GB से कम अगर खाली है तो कंप्यूटर प्रॉब्लम कर सकता है, कंप्यूटर स्लो हो सकता है, स्पेशली अगर आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो। अगर आप SSD यूज़ कर रहे हो तो अगर आपके सी ड्राइव में 2-3 GB भी खाली है तो भी काम चल जाएगा। अगर सी ड्राइव फुल हो जाए तो आपका कंप्यूटर अनवांटेड बिहेवियर करेगा, उसमें तरह तरह के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर स्लो होने के पीछे वजह बहुत बार हार्ड ड्राइव भी हो सकती है। अगर उसका लाइफ स्पैन ख़त्म होने वाला है तो क्या होता है कि हार्ड ड्राइव बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है, उसका जो रीड राइट स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिस वजह से ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर पाता। इसकी वजह से कंप्यूटर स्लो तो होता ही है, साथ ही साथ जो फाइल्स है वो करप्ट कर सकता है, जो आपने अपने सी ड्राइव पे या फिर किसी और ड्राइव में स्टोर किया है, अगर वो उस हार्ड ड्राइव का ही पार्टीशन है तो उसमें कोई फाइल करप्ट कर गई, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कंप्यूटर बूट होने के टाइम पे तरह तरह के प्रॉब्लम कर रहा है और ठीक से बूट नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा है, या फिर तरह तरह के बूट एरर्स आपको देखने को मिल रही है, तो इस टाइम पे आप समझ जाओ कि आपका हार्ड ड्राइव के साथ कुछ लोचा हो सकती है, हो सकती है, जी हाँ हो सकती है, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत बार वायरस या फिर मैलवेयर की वजह से भी होती हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई फाइल्स करप्ट कर गई हैं तब भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बूट एरर स्पेशली आ सकती हैं। तो आप क्या करोगे, आपको अपने कंप्यूटर को करना है रीसेट। अगर रीसेट नहीं हो पा रही है तो आप विंडोज़ को वापस से इंस्टॉल कीजिए, फ्रेश इंस्टॉलेशन कीजिए, कंप्यूटर को पूरा फॉर्मेट मार दीजिए, उसके बाद विंडोज़ को फिर से इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है तो यहाँ पे हार्ड ड्राइव में कोई गड़बड़ है, या फिर अगर आपके सिस्टम में SSD लगा हुआ है तो उसमें कोई गड़बड़ है, आपको इस पार्ट को बदलना है। तो रीसेट या फिर फॉर्मेट करने से पहले आप कुछ और चीज़ें ट्राई कर सकते हो, जिससे आपके PC में जो ये स्लो होने की दिक्कत है वो सही हो सकती है। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बनाया था, उसका लिंक आपको आई बटन पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात रही यहाँ पे बूट एरर की, बूट एरर ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से भी हो सकती है, किसी सॉफ्टवेयर की वजह से भी हो सकती है, हार्ड डिस्क की वजह से भी हो सकती है, साथ ही साथ BIOS बैटरी भी एक रीज़न हो सकती है। और अगर यहाँ पे CPU का फैन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है या फिर आपके ग्राफिक्स कार्ड में कोई दिक्कत है तब भी बूट एरर हो सकती है, बूट एरर आ सकती है। और हाँ, अगर आप अपने कंप्यूटर में अभी भी डिस्प्ले को कनेक्ट करने के लिए VGA इंटरफेस को यूज़ कर रहे हो तो इस टाइम पे आपने प्रोबेबली कलर फ्लैशिंग की प्रॉब्लम ज़रूर देखी होगी। आपको क्या करना है, जो VGA केबल है इसको बदल देना है, और जो कनेक्टर है VGA कनेक्टर जो है उसको साफ़ करना है, आपके कंप्यूटर में जो कनेक्टर लगा हुआ है उसको साफ़ करना है, मॉनिटर में जो कनेक्टर है उसको साफ़ करना है, देन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। प्रॉब्लम यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड में भी हो सकती है जो आपके सिस्टम में लगा हुआ है, अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, पर जनरली प्रॉब्लम यहाँ पे केबल में ही होती है। और हाँ, अगर आपके लैपटॉप के डिस्प्ले के साथ, कैमरे के साथ या फिर माइक्रोफोन के साथ कोई दिक्कत आ रही है तो इस टाइम पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे ये जो सारे के सारे डिवाइसेस हैं, इनका जो वायर्स है वो सब एक ही हिंज से पास होती है, एक या फिर दो हिंज से पास होती है। आपने देखा होगा लैपटॉप की दो या फिर मल्टीपल हिंज रहती है, इन हिंजेस से पास होती है, और लैपटॉप बार बार फोल्ड होते होते ये जो हिंजेस में जो वायर्स पास हो रही है ये डैमेज हो जाती है।
तो आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने लैपटॉप को लेके किसी रिपेयर शॉप में या फिर सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा। वहाँ पे जाके ये लोग जो केबल्स है उसको ठीक कर देंगे, नया केबल लगा देंगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा और भी तरह तरह के प्रॉब्लम्स हमें कंप्यूटर्स के ऊपर देखने को मिलती हैं, जिनके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, पूछ सकते हो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा। इसी अगर जाए मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।